आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन फॉर x मल्टीप्लाइड बाई 3x² + 7 होल टू द पावर 7 dx। तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी है कि हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस फंक्शन को करेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है 3x² + 7, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या लेंगे, अज्यूम कर लेंगे z = 3x² + 7। अब हमें यहाँ पर जो जो x का फंक्शन दिख सकता है, ये x हो या फिर डिफरेंशियल फॉर्म dx हो, इसको हमें z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले इसका डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं। तो हमें लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, dz। अब यहाँ पर 3x² + 7 का हमें डिफरेंशिएटेड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x, क्योंकि 3 × 2 और ये पावर फॉर्म 2 - 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 6x। 7 का डिफरेंशिएटेड फॉर्म 0। अब हम dAx का डिफरेंशियल फॉर्म ले लेते हैं, dx। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 6x dx। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, यहाँ पर x है और इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में dx है, तो x dx चाहिए। तो हम x dx को क्या लिख सकते हैं, x dx = dz/6। अब यहाँ पर जो फंक्शन हमें टोटल दिया हुआ था, इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x dx को लिख रहे हैं dz/6। तो dz/6, और यहाँ पे क्या मिला था ब्रैकेट के अंदर 3x² + 7, उसको रिप्लेस करेंगे z से, तो z^7। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है 1/6, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन z^7 dz। अब ये z^7 को इंटीग्रेट किस फॉर्म में करेंगे, हमें इंटीग्रल का फॉर्म पता है कि अगर दिया है z^n dz और हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, z^(n+1)/(n+1)। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/6 ऑलरेडी था, z^7 के लिए क्या मिलेगा, ऊपर 8 हो जाएगा 7+1, नीचे भी 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और प्लस सी, सी इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 1/48 z^8 + c। पर हमें एक बात देखनी है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया था वो क्या था, x का फंक्शन, पर हमें क्या मिला, z। तो z को तो चेंज करना पड़ेगा, तो z की जगह हम प्लेस करेंगे 3x² + 7 को, तो हमें क्या मिलेगा, 1/48 × 3x² + 7 होल टू द पावर 8 + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।